तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल 6 की। जी हाँ दोस्तों, गूगल बहुत ही ज्यादा अपना एक नया स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 6 लॉन्च कर सकती है। और दोस्तों कहूँ कि ये कंफर्म हो चुका है कि ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। पहले भी इसकी कई लुक्स सामने आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं इसकी कंफर्म डिटेल दूंगा, आपको फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल दूंगा और इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगा और कब ये लॉन्च होगा इसके बारे में बताऊंगा और इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता था, आपको बता दूं कि गूगल ने 2016 में अपना स्मार्टफोन मार्केटिंग में कदम रखा था। जैसे कि आप सभी को पता है कि गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल एक्सएल ये सीरीज आम लोगों के लिए लॉन्च की गई है। अब जल्द ही बात करते हैं गूगल पिक्सल 6 की, जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है मार्केट में। आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी फुल डिटेल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल पिक्सल डिवाइस हार्डवेयर के मामले में बहुत ही बेहतर नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में ये फोन्स बेहतर है। और पिक्सल 5 की बात करूं तो इसमें स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर दिया गया था। वहीं अब बात करूं अगर पिक्सल 6 की, तो इसमें हमें लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। गूगल कंपनी ने इस फोन का रेड मैप जारी किया है और लीक्स के मुताबिक बता दूं कि 3 कोड नेम सामने आए हैं, जिसमें रवीन, ओरियोल और पासपोर्ट शामिल है। रवीन और ओरियोल को पिक्सल 6 मॉडल के कोड नेम बताए जा रहे हैं, और वहीं पासपोर्ट कोड नेम पिक्सल फोल्डेबल का हो सकता है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर एक और सब्सक्राइब देखने को मिल गया। मेरा कहने का मतलब दोस्तों यह है कि हमें गूगल की तरफ से अब एक फोल्डेबल स्मार्टफोन भी देखने को मिल सकता है। दूसरी रिपोर्ट्स की बात करूँ तो पिक्सल एक्सी या फिर पिक्सल फोल्डेबल एक जैसा ही होगा। इसमें कुछ हार्डवेयर चेंज देखने को मिल सकते हैं और फोन में अंडर डिस्प्ले कैमरा और ड्यूअल सिम ट्रे सपोर्ट दिया जा सकता है। अब दोस्तों बात करूँ कि हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा। अभी तक मेरे ख्याल से दोस्तों 2 या 3 कंपनी होंगी जिन्होंने अंडर डिस्प्ले स्मार्टफोन कैमरे के साथ लॉन्च किया है, जैसे कि जेटी और मी भी मेरे ख्याल से एक कंपनी है। इन 2 कंपनी ने अब तक अंडर डिस्प्ले कैमरे के साथ स्मार्टफोन लॉन्च किया है। लेकिन अब दोस्तों बारी है गूगल पिक्सल की, और गूगल पिक्सल 6 का डिजाइन काफी हद तक पहले जैसा नहीं होगा। इस बार रेडार तकनीक फोन में नहीं दी जाएगी। बात करूं अगर इसके डिजाइन की, तो फोन में हमें पंच होल डिस्प्ले दी जाएगी, और वहीं पहले नोच के साथ गूगल पिक्सल 5a फोन में पंच होल डिस्प्ले दी जाएगी, जो पहले नोच के साथ आता था। जहां पिक्सल 5 में हाइब्रिड एल्यूमिनियम बॉडी दी गई थी, जो थिन स्क्रीन के साथ आती है, बायोरेसिन प्लास्टिक से बनी होती है। और पुराने डिजाइन को देखते हुए अपकमिंग पिक्सल 6 में कुछ डिजाइन को लेकर बदलाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। गूगल पिक्सल 6 में 6 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz या 120Hz हो सकता है। इसमें हमें ZTE Exynos 25G की तरह ही अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ZTE एक कंपनी है जिसने अपना एक अंडर डिस्प्ले कैमरे के साथ स्मार्टफोन लॉन्च किया था। यह कंपनी USP होने की उम्मीद है। और दोस्तों अगर दूसरी लीक की बात करूँ, तो कंपनी अपकमिंग स्मार्टफोन फोल्डेबल डिवाइस के तौर पर भी पेश की कर सकती है। कंपनी की तरफ से जनवरी 2021 में 2 पेटेंट पब्लिक किए गए। यह पेटेंट सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की तरह ही दिखता है, जो सामने आने पर बड़े टैबलेट की तरह ही डिस्प्ले में बदल जाता है। पिक्सल 5 की तरह पिक्सल 6 में फ्लैगशिप प्रोसेसर दिए जाने की उम्मीद है, साथ ही पहले से ज़्यादा रैम और स्टोरेज भी दी जाएगी। पिक्सल 6 में 8GB रैम और 256GB की नॉन एक्सपेंडेबल स्टोरेज दी जाएगी। और दोस्तों पिक्सल 6 भारत में लॉन्च होगा या नहीं, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। पिक्सल लाइनअप के लॉन्च की बात आते ही गूगल लगातार एक ही जैसा रहा है, यानी कि नई पिक्सल डिवाइस सितंबर या अक्टूबर के पहले हफ्ते में लॉन्च की जा सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं मिली है। पिक्सल 6 की भारत में कीमत की बात करूं, तो पिक्सल 6 की कीमत क्या होगी इसकी जानकारी तो फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन पिक्सल 5 से कुछ ज्यादा ही होने की उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों इस फोन की कीमत $699 यानी कि करीबन 50,912 रुपए हो सकती है। ये फोन स्नैपड्रैगन 765G के साथ आएगा, और ऐसे में अगर पिक्सल 6 लेटेस्ट प्रोसेसर या इससे बेहतर प्रोसेसर के साथ लॉन्च करती है, तो इसकी शुरुआती कीमत $1,099 यानी कि करीब 58,195 रुपए हो सकती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि गूगल अपनी बहुत ही जल्द 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। गूगल पिक्सल 6 और एक फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। उसका नाम क्या होगा इसके बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।